हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम देखेंगे साइलोटम। ठीक है, अगर हम इसके वर्गीकृत स्थान की बात करें तो सबसे पहले क्या, ये जो इसका डिवीजन क्या होगा, टेरिडोफाइटा। उप डिवीजन क्या होगा, साइलोटॉप्सिडा। गण साइलोटेलिस, कुल साइलोटेसी। देखिए हमारी जो पिछली यूनिट है वो पूरी हो चुकी है, टेरिडोफाइटा उसमें उतना ही है। इसके बाद ये नेक्स्ट यूनिट है, इसमें साइलोटम और इसके अलावा कुछ और टेरिडोफाइट्स का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो पहला है वो क्या है, साइलोटम। ठीक है, तो भाई क्या है कि साइलोटम के मेनली क्या है, दो जातियां हैं, कौन कौन सी, साइलोटम फ्लेसिडम, ठीक है, और साइलोटम न्यूडम। ठीक है, अब भाई जो साइलोटम फ्लेसिडम है ये क्या है, एक अधिपादपीय जाति है। अधिपादपीय क्या होता है, किसी भी प्लांट के ऊपर उगने वाला। ठीक है, इसके अलावा साइलोटम न्यूडम जो है वो कैसा है, उप उष्णकटिबंधीय या फिर उष्णकटिबंधीय। ठीक है, अब जो साइलोटम न्यूडम है भाई, जो इंडिया में पाई जाने वाली साइलोटम की जाति है वो क्या है, साइलोटम न्यूडम। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगी, मतलब शिमला, कुल्लू और पंचमढ़ी, दार्जिलिंग आदि इन क्षेत्रों में क्या मिलती है, ये जाति देखने को मिलती है। साइलोटम की जो चतुर्गुणित जाति होती है, जो इसकी चतुर्गुणित प्रजाति है, उसको कहाँ उगाया जाता है, उद्यानों में भी उगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसके बीजाणु उद्भिद की अगर बात करें तो बीजाणु उद्भिद को हम है ना दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी बाह्य संरचना देखेंगे और फिर इसकी आंतरिक संरचना देखेंगे। देखिए इसका जो बीजाणु उद्भिद होता है उसकी अगर हम बाह्य संरचना की बात करें तो क्या होगा, बीजाणु उद्भिद दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, कौन कौन सा, भूमिगत प्रकंद, मतलब कि भूमि के अंदर रहने वाला भाग प्रकंद, और ऊपर जो वायु में रहेगा वो क्या भाग है, द्विभाजी शाखित या फिर द्विभाजित वायवीय शाखाएं। मतलब कि क्या होता है भाई, दो भागों में ऊपर चल के भाई, पहले क्या है अक्ष एक होता है, फिर आगे जाके दो भागों में विभेदित हो जाता है, इस प्रकार का अक्ष इसमें देखने को मिलता है। द्विभाजी शाखित क्या क्या होगा इसमें, वायवीय शाखाएं। ठीक है, प्रकंद कैसा होगा इसका, जो हमने प्रकंद भाग बताया बेलनाकार होगा, ठीक है, बेलन जैसे आकार का होगा, विसर्पी होगा, मतलब कि जमीन के सहारे वृद्धि करने वाला। ठीक है, और प्राय द्विभाजी शाखित, ये भी कैसा हो सकता है, भूमिगत प्रकंद जो है ये भी कैसा हो सकता है, द्विभाजी शाखित हो सकता है। प्रकंद में अंतर कोशिक कवक मूल पाए जाते हैं, इसका जो प्रकंद है उसके अंदर क्या है, कवक मूल है, वो भी अंतर कोशिक, मतलब कि कोशिकाओं के अंदर क्या मिलेंगी, इसमें कवक मूल मिल सकती है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर क्या रहेंगे, कवक मूल के अंदर रहेंगे, सहजीवी संबंध मिलेगा। ठीक है, इनके कवक तंतु मूलाभासों द्वारा बाहर निकलकर अधोस्तर से चिपके रहेंगे। भाई क्या होगा, इनके जो मूलाभास होते हैं इनमें के अंदर जो कवक तंतु है वो वृद्धि करते हुए बाहर आ जाएंगे और अधोस्तर पर चिपकने में, मतलब कि किसी भी सतह पर चिपकने में इनकी मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अवशोषण का कार्य मुख्यतः मूलाभासों द्वारा, ऑब्वियस सी बात है, जो काम मूल का है वही किसका होगा, मूलाभास होगा, तो अवशोषण किसके द्वारा होगा, मूलाभासों द्वारा। साइलोटम न्यूडम में अपरिपक्व मूलाभासों का शीर्षस्थ भाग विभाजित होकर जैमी बनाते हैं, जो कायिक प्रवर्धन में सहायक। जो ये जाती है न्यूडम, इसमें क्या होगा, अपरिपक्व जो मूलाभास है, जो परिपक्व नहीं हुए हैं, इनका क्या होगा, शीर्षस्थ भाग, आगे वाला भाग विभाजित होकर जैमी बना लेता है, जैमी हमने पढ़ा है। ठीक है, जो कायिक प्रवर्धन में, कायिक प्रवर्धन में मतलब कि वेजिटेटिव इसके रिप्रोडक्शन में या प्रवर्धन में मदद करता है। प्रकंद की कुछ शाखाएं जो है वो भूमि से ऊपर की ओर वृद्धि करेंगी। अब इसका जो दूसरा भाग है वो कैसे बनेगा, वायवीय भाग कैसे बनेगा, प्रकंद क्या है, प्रकंद तो भूमिगत है, लेकिन उसकी ही कुछ शाखाएं क्या करेंगी, भूमि से ऊपर की ओर वृद्धि कर जाएंगी। ठीक है, और क्या बना लेगी, पूरा वायवीय तंत्र या फिर वायवीय शाखाएं बना लेगी। साइलोटम न्यूडम की वायवीय शाखा लगभग कितनी होगी, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, जबकि फ्लेसिडम की जो वायवीय शाखाएं हैं वो 90 सेंटीमीटर तक लंबी भी हो सकती हैं। आगे देखें, वायवीय शाखा जो है, ठीक है, वायवीय शाखा का आधार ये भाग, ये वायवीय शाखा है मान लो,
वायवीय शाखा का ये जो बेस वाला पार्ट है, आधारीय भाग है, ये तो क्या होगा बेलनाकार, और आगे से क्या हो जाएगा ये चपटा हो जाएगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। इन शाखाओं के शीर्षस्थ भाग में शल्की उपांग अथवा पत्तियां, भाई इनके जो क्या होते हैं शीर्षस्थ भाग है, आगे इनमें क्या मिलेंगे, शल्की उपांग मिलेंगे या फिर पत्तियां मिलेंगी। ठीक है, इन पत्तियों में शिरा व रंध्र अनुपस्थित होते हैं। ये जो पत्तियां इनमें ना तो शिराएं हैं ना रंध्र है, इसलिए भाई ये क्या प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं आती है। ठीक है, हालांकि आगे जब हम इनकी संरचना पढ़ेंगे ना तो हम बताएंगे कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनमें रंध्र और शिरा दोनों ही नहीं है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कैसी अनुपस्थित, हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण वही क्लोरोफिल तो है लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रंध्र और शिरा नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य अब फिर करेगा कौन भाई, पत्ती नहीं कर रही है तो कौन करेगा? फिर वायवीय शाखा जो है, ब्रांचेस जो है, वो क्या करेगी इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगी। शाखाओं के शीर्षस्थ भाग में उपस्थित पत्तियों के कक्ष में समबीजाणुधानी पाई जाती है। शाखा के शीर्षस्थ भाग है उनके कक्ष जो है उनमें क्या मिलेगी, बीजाणुधानी मिलेगी। अब इसकी हम आंतरिक संरचना की बात करें तो देखिए, पहले आपको एक चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक साइलोटम न्यूडम का जो चित्र दिखाया गया है, इसके ये जो भाग है देखिए, ये शाखित है। ठीक है, ये पूरा जो हिस्सा है ये तो क्या है, राइजोम, मतलब कि प्रकंद है। ठीक है, ये इसका वायवीय भाग है। अब इसका वायवीय भाग कैसा है, देखिए नीचे से बेलनाकार है, ऊपर से चपटा होता जा रहा है। ठीक है, द्विभाजी शाखित हम देख सकते हैं, ये भी मूलाभास भी क्या है इसके, द्विभाजी शाखित है। और इसमें ये क्या कवक मूले निकली हुई है। ठीक है, और इसके कक्ष में क्या मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे ये ब्रैक्ट है और ये बीजाणुधानी लगी हुई है, जिसको अपन समबीजाणुधानी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे की अगर हम इसकी आंतरिक संरचना को देखें तो आंतरिक संरचना भाई हमें तीनों चीज की देखनी होगी, किस किस की, प्रकंद की भी, वायवीय शाखा की भी और पत्तियों की भी। तो आगे देखें, सबसे पहले अगर हम प्रकंद की आंतरिक संरचना देखें तो भाई आंतरिक संरचना अगर हम प्रकंद और वायव्य भाग की देखें तो क्या मिलेगा हमें, सबसे बाहर तो बाह्य त्वचा मिलेगी, उसके अंदर कॉर्टेक्स मिलेगा और उसके अंदर हम उसके बाद में जाइलम फ्लोएम मतलब कि रंभ तंत्र की बात करते हैं, जो भी इनमें पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि सब चीज में आंतरिक संरचना का क्रम यही होता है, जबकि पत्ती क्या होती है, पत्ती में क्या होगा, एक तो बाह्य त्वचा मिलेगी, उसके अंदर क्या मिलता है हमें, पर्ण मध्योतक मिलता है। ठीक है, उसके अंदर रंभ तंत्र मिलता है। तो अगर हम किसी भी जड़ या तने वाले हिस्से की बात करते हैं तो हमें ये भाग देखने होते हैं, और पत्ती की बात करते हैं तो ये भाग देखने होते हैं, मतलब कि बाह्य त्वचा और पर्ण मध्योतक वगैरह। ठीक है, तो भूमिगत प्रकंद की बात करें तो क्या होगा भाई, प्रकंद की आंतरिक संरचना भाई व्यास पे निर्भर करेगी, कि जो 1 मिलीमीटर से कम व्यास के होते हैं ना उनमें तो संवहन तंत्र क्या है, पूर्णतः अनुपस्थित होगा, मतलब इनमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाएगा। और 2 से 3 मिलीमीटर या उससे अधिक व्यास के जो है उनमें विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलेंगे, मतलब कि जाइलम फ्लोएम का एक निश्चित तंत्र मिल जाएगा। सबसे भारी परत क्या होगी इसकी, बाह्य त्वचा, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, सबसे भारी परत क्या है, बाह्य त्वचा। अंदर का बड़ा पैरेन्काइमी क्षेत्र क्या होगा, बाह्य त्वचा के अंदर क्या होगा, कोर्टेक्स होगा। अब इसका जो कोर्टेक्स होता है वो 3 भागों में बटा होता है, सबसे बाहर वाला बाह्य कोर्टेक्स, बीच वाला मध्य कोर्टेक्स और अंदर वाला अंतः कोर्टेक्स। जो बाह्य कोर्टेक्स है उसमें क्या होगा, अंतः पादपी कवक मूल पाई जाएंगी, इनके अंदर क्या मिलेंगी, कवक मूल मिलेंगी। ठीक है, जो मध्य कोर्टेक्स है उसमें क्या मिलेगी, स्टार्च के कण वगैरह मिलेंगे। और अंतः कॉर्टेक्स होगा उसमें क्या मिलेगा, हमें टेनिन मिलेगा। आगे देखिए, टेनिन वो
आगे देखिए, कॉर्टेक्स के अंदर की ओर एकल स्तरीय अंतस्त्व त्वचा। भाई जैसे ही कॉर्टेक्स, मान लो ये बाह्य त्वचा है, ये तीन प्रकार के हमने कॉर्टेक्स देख लिए, ठीक है, ये राउंडेड होता है ऐसे। अब इसके अंदर की जो लेयर आएगी वो आ जाएगी अब अंतस्त्व त्वचा, अंतस्त्व त्वचा, ठीक है, और अंतस्त्व त्वचा के नीचे क्या आ जाएगा, परिरंभ, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, हमारा रंभ तंत्र होता है। इस तरीके से तो देखते हैं हम, प्रकंद के केंद्रीय भाग में ठोस रंभ पाया जाता है, केंद्रीय भाग जो है उसमें मिलेगा ठोस रंभ। हमने जब टेरिडोफाइट्स के रंभ तंत्र का अध्ययन किया था तो हमने देखा था ठोस रंभ, तो वही ठोस रंभ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अधिक व्यास के प्रकंदों में वाहिनिकाओं के बीच पैरेन्काइमी कोशिकाएं आ जाने से ठोस जाइलम अनेक खंडों में टूट जाता है। भाई क्या होगा कि जो ज्यादा व्यास वाली जो ये है प्रकंद होंगे, इनमें क्या होगा, वाहिनिकाओं के बीच में पैरेन्काइमी कोशिकाएं आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण जो ठोस रंभ में क्या होता है, ये पूरा जाइलम मतलब इसके अंदर भरा होता है और फ्लोएम की एक लेयर बाहर आ जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये टू इसके बीच में अगर कोई सेल्स आ जाएंगे तो ये जाइलम टूट जाएगा, खंडों में विभाजित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे खंडों में टूट जाता है अगर इसके अंदर क्या आ जाए, वाहिनिकाएं आ जाए, मतलब कि पैरेन्काइमी कोशिकाएं आ जाए। आगे देखिए, वायवीय शाखाएं, अगला जो हम पार्ट देखेंगे वो क्या है, वायवीय शाखाएं। इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो इसकी सतह तरंगित, मतलब कि इस तरीके की बाहर से देखने को मिलेगी, वेवी, ठीक है, यह है तरंगित, ठीक है, तो तरंगित होने के कारण अनुप्रस्थ काट में इनकी रूपरेखा अनियमित प्रतीत होती है। भाई ये अब अनियमित दिख रहा है ना, अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो ये कैसा दिखेगा, अनियमित दिखेगा। बाह्य त्वचा क्यूटिकल से ढकी, इसकी जो बाह्य त्वचा है वो पूरी क्यूटिकल, जो मोम जैसा पदार्थ होता है उससे ढकी हुई मिलेगी। बाह्य त्वचा पर अनेक रंध्र, इसकी जो बाह्य त्वचा है उसमें क्या मिलेंगे, रंध्र भी मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है, और रंध्र की द्वार कोशिकाएं डमरू के आकार की, इनके यहाँ पे जो ये द्वार हैं, ये सेल्स कैसी रहेंगी, डमरू के आकार की मिलेंगी। आगे देखिए, बाह्य त्वचा के अंदर कॉर्टेक्स उपस्थित, जो बाह्य त्वचा है उसके अंदर कॉर्टेक्स मिलेगा। इसका भी कॉर्टेक्स तीन हिस्सों में बटा होगा, बाह्य कॉर्टेक्स, मध्य कॉर्टेक्स और आंतरिक। बाह्य वाला देखो, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं के 2 से 5 परतें, सबसे बाहर वाले भाग में, इसमें भाई हमने बताया ना कि इसका वायवीय भाग प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि पत्तियां नहीं करती, तो क्लोरोफिल युक्त, ठीक है। इसके बाद सुविकसित अंतराकोशिकीय अवकाश, इसमें क्या मिलेंगे, अंतराकोशिकीय अवकाश भी मिलेंगे, मतलब सेल्स के बीच में जगह मिलेगी, ठीक है। अवकाश रंध्रों द्वारा वातावरण से संबंधित, जो ये जगह है अंतराकोशिकीय अवकाश है, कोशिकाओं के बीच में जो जगह है वो रंध्र के द्वारा वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। मध्य कॉर्टेक्स, यह क्षेत्र दृढ़ोतकी होता है, जो यह भाग है कैसा रहेगा, दृढ़ोतकी होगा, और चूंकि ये दृढ़ोतकी है तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, किसी उस मतलब जो वायवीय भाग है उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करना होगा, इसका कार्य, ठीक है, और इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, लंबी लंबी सी होती है, ठीक है। आंतरिक कॉर्टेक्स की बात करें तो स्टार्च युक्त पैरेन्काइमी कोशिकाएं होंगी, ठीक है, मतलब कि ऐसी पैरेन्काइमी कोशिकाएं जिनमें स्टार्च हो। अंतराकोशिक का अवकाश भी अनुपस्थित होगा, सीधे सीधे जुड़ी होंगी कोशिकाएं, इनमें क्या होगा, अंतराकोशिक का अवकाश नहीं मिलेगा। अंतस्त्व त्वचा की अरीय भित्तियों में कैस्पेरियन बैंड पाए जाएंगे। भाई हमने कहां तक की बात कर ली, कॉर्टेक्स तक की बात कर ली, तो कॉर्टेक्स के अंदर कौन सी लेयर पाई जाती है, अंतस्त्व त्वचा, तो अंतस्त्व त्वचा में क्या होंगे, इनकी जो भित्तियां हैं उनमें क्या मिलेंगे, कैस्पेरियन बैंड। ये क्या होते हैं, कैस्पेरियन बैंड मिलेंगे, ये क्या करेंगे, जलरोधी होते हैं, ये जल को आर पार नहीं जाने देते हैं। साइलोटम के वायवीय तंत्र में नाल रंभ पाया जाता है, इसका जो वार मतलब जो हमने देखा था प्रकंद वाला भाग उसमें ठोस रंभ था, इसमें क्या है, नाल रंभ, ठीक है, क्योंकि इसमें पित्त का निर्माण हो जाता है भाई, तो पित्त का निर्माण होते ही कोई भी ठोस रंभ किस में बदल जाएगा, नाल रंभ में बदल जाएगा। जाइलम से अरीय किरणें पाई मतलब निकलती है, जाइलम क्या होता है, इस प्रकार से व्यवस्थित होगा, तो ये क्या है, इनमें अरीय किरणें निकली हुई है, ठीक है। परिपक्व स्तंभ में इनकी संख्या 8 होती है, भाई ये जो परिपक्व स्तंभ होता है इनमें ये किरणों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। आगे देखिए,
फ्लोएम केवल चालनी नलिकाओं से निर्मित, इसका जो फ्लोएम है वो किससे बना होगा, केवल चालनी नलिकाओं से बना होगा। जाइलम के चारों ओर एक पूर्ण वलय, जाइलम के चारों ओर ये जाइलम है मान लो इसका, और ये मतलब उस वो युक्त किरणोयुक्त, इसके चारों ओर कैसी मिलेगी, एक पूरी वलय मिल जाएगी फ्लोएम की। नागम में उपस्थित दृढ़ोक्ता की पिथ, मैंने बताया ना कि दृढ़ोक्त जो ठोस रंभ है उसमें अगर पिथ का निर्माण हो जाए तो वो नाल रंभ बन जाता है, तो नाल रंभ में उपस्थित दृढ़ोक्ता की पिथ स्तंभ के आधारीय भाग में लुप्त हो जाता है, जो इसमें पिथ का निर्माण हुआ था यहाँ पे वो लुप्त हो गई है, जिसके कारण ये नाल रंभ किसमें परिवर्तित हो गया, अरीय रंभ में परिवर्तित हो गया। अब इसकी अगर हम पत्ती की आंतरिक संरचना देखें तो पत्ती की आंतरिक संरचना कैसी होगी भाई, सरल प्रकार की होगी, बाह्य त्वचा क्यूटिकल से ढकी होगी जिस पर क्यूटिकल उपस्थित, जिस लेकिन भाई क्यूटिकल तो है लेकिन है ना उसमें क्या है कि उस बाह्य त्वचा पर रंध्र नहीं है, रंध्र नहीं होने के कारण क्या हुआ, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। पर्ण मध्योतक, बाह्य त्वचा के अंदर क्या है, पर्ण मध्योतक क्लोरोफिल युक्त पैरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित होता है, इसके पर्ण मध्योतक में देखिए क्लोरोफिल उपस्थित है, ठीक है। पर्ण मध्योतक पैलिसाइड व स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित नहीं होता, दरअसल नॉर्मली प्लांट्स में जो पत्ती होती है उसका पर्ण मध्योतक जो होता है, मेजोफिल जो होता है वो पैलिसाइड और स्पंजी कोशिकाओं में विभेदित होता है लेकिन इनमें नहीं होता। पर्ण मध्योतक में क्या होगा, अंतराकोशिका अवकाश भी सुविकसित, भाई अच्छे खासे अंतराकोशिका अवकाश मिलेंगे न्यूडम जाति में, या फिर संकीर्ण अवकाश भी मिल सकते हैं किसमें, फ्लैसिडम में। इसमें क्या होगी, सिराए भी अनुपस्थित होंगी, रंध्र व संवहन उत्तक नहीं होने से पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, ठीक है। आगे इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।